बाबा की, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया और काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बन पाया। बने भी एक दो तो वो तैयार नहीं हो पाए, और क्यों नहीं हो पाए वो तो आप लोगों को दिव्या के वीडियो से पता ही चल गया होगा, क्योंकि हम अपने घर गए थे पिताजी को देखने, तो वहाँ पे एक हफ्ते का टाइम लग गया और फिर वहाँ से आए तो फिर बहुत सारे काम हो गए थे, तो इसी वजह से एक बार फिर से मेरा वीडियो लेट हो गया। और आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी कुछ ऐसी आ गई। तो कोई बात नहीं, अब तो हम लोगों का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है, अब इन छोटी मोटी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर से वीडियो कंटिन्यू करेंगे, फिर से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो भी वीडियो बनाएंगे। तो वही हमने सोचा आज थोड़ा सा टाइम मिला था कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। आप लोगों को तो पता ही है कि रक्षाबंधन भी आने वाला है, और जब कोई त्यौहार आता है तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सफाई अफाई घर की करनी पड़ती है। तो बस वही सारी सफाई अफाई करके फुर्सत हुए, फिर हमने सोचा कि कोई छोटी सी मिठाई की रेसिपी आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बना लें। रेसिपी शेयर करने से पहले आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है, वो कर लेते हैं, और ये बात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो जैसे कि आप लोग भी जो है घर बैठ के अगर कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं। तो एक ये एक ऐसा बिजनेस है, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो गृहिणी हो या स्टूडेंट हो, या वो अगर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो वो भी जो है इस काम को, इस बिजनेस को करके पैसे कमा सकते हैं। और इस बिजनेस में कोई भी पहले पैसा लगने वाला नहीं है, इसको आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं और अपने लिए एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, बचत कर सकते हैं या अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करनी है, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस ऐप का नाम है Shop101। और इस ऐप के जरिए आप लोग हर महीने घर बैठ के 25,000 रुपये कमा सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये ऑनलाइन रिसेलिंग का बिजनेस है, और इस ऐप को यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं इस ऐप को। इस ऐप को खोलते ही इसमें आप अपना स्टोर बना सकते हैं और अपने बिजनेस का एक बढ़िया सा नाम भी रख सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप में आगे बढ़ेंगे तो इस ऐप में आपको बहुत अच्छे और बढ़िया प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। हर प्रोडक्ट के नीचे आपको जो हरे कलर का निशान दिख रहा है उस पर क्लिक करके अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना है। इसमें आप जो भी मार्जिन लगाकर प्रोडक्ट शेयर करेंगे वही आपकी अर्निंग होगी। तो देखा आप लोगों ने इस बिजनेस को करना कितना ज़्यादा आसान है, तो देर किस बात की, चलिए आज ही आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करिए। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं, अब बनाते हैं मिठाई और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में डाला है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, और इस दूध को अभी हमें गाढ़ा करना है, तो इसको हम चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे एकदम रबड़ी की तरह, और इस दूध के बनाएंगे हम पेड़े। तो अभी थोड़ी देर हो गई है, 10 मिनट हो गए हैं हमने कढ़ाई में दूध को डाला था, तो इसको चलाते हुए अच्छे से रबड़ी बना लेंगे। और खोया या रबड़ी बनाने के लिए हम इसी वाली कढ़ाई का यूज करते हैं, क्योंकि एक तो ये कढ़ाई भारी है, तो भारी तले की कढ़ाई में खोया या रबड़ी अच्छी बनती है, जलती नहीं है नीचे और मतलब काफ़ी देर तक गर्म रहती है, खोया या रबड़ी बनाने में ठीक रहता है, तो इसलिए हमेशा हम इसी में बनाते हैं। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। और इधर रखा है घी, ये घी हमने सुबह निकाला था मलाई से, तो इधर घी रखा है। घर का बना हुआ घी बहुत अच्छा होता है, एकदम शुद्ध ताज़ा घी बहुत अच्छा लगता है। चलिए जब ये रबड़ी जैसा हो जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि आगे कैसे पेड़े बनाएंगे। दूध को हमने चलाते हुए रबड़ी जैसा बना लिया है, अब ये एकदम से रबड़ी बन गई है, रबड़ी बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा और करना है, तो इसको चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा और कर लेंगे। इस तरीके से पेड़े बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं, और कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है, और ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा चलाते हुए और गाढ़ा कर लेंगे। एकदम खोए जैसा हो गया है, लेकिन अभी खोए के लिए अभी इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना पड़ेगा, लेकिन अब
अभी हम इसको इतना ही रखेंगे और इसमें डालेंगे अब हम चीनी। और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम बहुत थोड़ी सी चीनी डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा दिव्या को पसंद नहीं है, तो इसमें सिर्फ हम इतनी चीनी डालेंगे एक चमचा, और इसको अच्छे से चला लेंगे। और ये जब चीनी इसमें घुलेगी तो ये फिर से पतला हो जाएगा, तो मीडियम गैस करके इसको हम लगातार चलाते रहेंगे कि चीनी अच्छे से घुल जाए। चीनी आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं और ऐसी भी डाल सकते हैं, दोनों तरह की चीनी आप डाल सकते हैं। और इसको फिर से जो है चलाते हुए इसको थोड़ा सा टाइट करना है, अभी ये थोड़ा सा गीला है तो साथ साथ में चीनी भी इसमें घुल जाएगी और ये सूख के टाइट भी हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं चीनी भी अच्छे से घुल गई है और ये भी एकदम से गाढ़ा हो गया है। और इसकी यही पहचान है, जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तो आप समझ लो कि ये पेड़े बनाने के लिए तैयार हो चुका है खोया हमारा। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में निकाल लेंगे। होने के लिए एक थाली में निकाल लिया है, अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर। और पेड़े में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, कुछ भी मेवा वगैरह नहीं पड़ती है, जैसे एक गरी है, काजू बादाम है, ये सब चीज़ें नहीं पड़ती हैं, तो इनको सिर्फ जो है इलायची, तो इसमें सिर्फ इलायची पाउडर ही अच्छा लगता है, वही पड़ता है। और इलायची पाउडर जब ये ठंडा हो जाए थाली में निकाल लें, उसके बाद ही डालें, क्योंकि गर्म में डालने से इलायची की जो खुशबू होती है वो उड़ जाती है, नहीं रहती है। तो आप देख सकते हैं फटाफट कितनी जल्दी पेड़े बनने के लिए तैयार हो गए हैं। इनमें कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी ज़्यादा सामान नहीं लगना है, और दूध और चीनी तो घर में होता ही है हमेशा। से मिल गई है, अब इसमें हम छोटे छोटे या बड़े जैसे भी आपको मनपसंद, अपने मनपसंद आप पेड़े बना के रख सकते हैं। देख सकते हैं पेड़े सारे बनकर तैयार हो गए हैं और देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत जल्दी बन जाते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं, अब सबसे पहले भगवान का भोग लगा देंगे, क्योंकि कुछ भी बनाते हैं मीठा बनाते हैं तो स्पेशली सबसे पहले भगवान का भोग लगाते हैं। तो चलिए भगवान का भोग लगा देते हैं और पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं।